अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भोजपुरी फिल्मों को लेकर दर्शकों को यही शिकायत रहती है कि इन फिल्मों में अश्लीलता भरी चीजों को ज्यादा दिखाया जाता है, और इसी मामले को लेकर रविंद्र भवन में जोरदार बहस हुई। इस बहस में भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता कुणाल सिंह, टीवी और फिल्म अभिनेता के गोस्वामी, निर्माता मोनिका सिंह, निर्देशक असलम शेख, मैथिली फिल्म के निर्देशक प्रशांत नागेंद्र ने भाग लिया। बहस के दौरान अभिनेता कुणाल ने कहा कि 90 के दशक से राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब होने लगी थी, जिससे लोगों ने सिनेमा हॉल में आना भी बंद कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिनेमा हॉल में केवल विशेष वर्ग के दर्शक ही भोजपुरी फिल्मों को देखने के लिए आते थे, और यही वजह थी कि भोजपुरी फिल्मों का स्तर धीरे धीरे गिरता चला गया। वहीं अगर म्यूजिक एल्बम की बात की जाए तो ऐसे एल्बमों से भोजपुरी इंडस्ट्री की छवि खराब होने लगी थी। खैर, अगर सरकार सहयोग और सहूलियत दे तो आज भी भोजपुरी में अच्छी मनोरंजक और साफ सुथरी फिल्में बनाई जा सकती हैं। फिल्म वित्त विकास निगम के MD गंगा कुमार ने कहा कि नग्नता और अश्लीलता में फर्क होता है। नग्नता मतलब अश्लीलता नहीं है। बताते चले कि भोजपुरी फिल्मों में नग्नता के सवाल पर कुणाल सिंह ने कहा कि भोजपुरी सिनेमा और इसके दर्शक मानसिक रूप से इतने परिपक्व नहीं है कि वे नग्नता को स्वीकार करें। गुटरगुड़ फिल्म अभिनेता के गोस्वामी ने कहा कि अश्लीलता को खत्म करने के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और दर्शकों को भी इसे नकारना होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।